Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रिसेंटली JNVU यानी कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान का जो MPET यानी कि आपका PhD एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ था और उसके रिगार्डिंग हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन यानी कि उसमें सीट्स कितनी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, क्या लास्ट डेट है, इसके अलावा आपकी जो और काफ़ी सारी क्वेरीज थी तो दो वीडियोस में हमने डिस्कस कर ली थी। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं गाइस, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू आर न्यू, एज चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा JNVU की अगर आपको नोटिफिकेशन देखनी है तो उसकी वीडियो और साथ ही साथ जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। रिसेंटली जो प्रीवियस 3 to 4 वीडियोज़ हैं वो केवल JNVU के ही हैं और मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द जो पेपर 1 है एंड 2021 में हुआ था, 2021 यानी कि लास्ट ईयर जो MPET JNVU जोधपुर में पेपर लगा था उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम उसी पेपर को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेट और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे काफ़ी हट के पेपर आता है। यहाँ पर जो पेपर आपका 1 है यानी कि जो कॉमन पेपर है वो गाइस कम्प्लीटली रिसर्च मैथडोलॉजी पर ही बेस्ड है, तो इसके बारे में यानी कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्या लेवल रहता है, हम जब प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा। और इसके अलावा मैंने सिलेबस भी आपको क्या करा था जस्ट प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है ये भी बताई थी। इसके अलावा गाइज़ बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि नेट JRF हमारे पास है मैम, हम एग्ज़ाम दें या नहीं, तो गाइज़ ऑब्वियसली बात है सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और हम एग्ज़ाम देते हैं तो चांसेस एडमिशन के ज़्यादा रहते हैं बजाय सीधे नेट JRF से अगर हम वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फ़ीस भी हम देख सकते हैं ऐसा तो है नहीं कि 250 या 300-400 रुपीज़ है, 2000 के ऊपर फ़ीस है और सीट्स इतनी ज़्यादा है नहीं। तो जहाँ तक मैंने सबको सजेस्ट किया था, मैंने यही सजेस्ट किया था कि ये बेटर है कि आप लोग एग्ज़ाम दें और JRF वालों के लिए तो अच्छा चांस है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम JRF मिलेगा क्या, और बिल्कुल इफ़ यू आर अ JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट तो गाइस PhD में एडमिशन लेने पर आपको JRF ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम फेलोशिप की बात करें तो एज़ पर माई नॉलेज JNVU मोस्ट प्रोबेबली कोई डिपार्टमेंटल फेलोशिप अवेलेबल नहीं करवाती है। काफ़ी कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को लेकर, तो गाइज़ जहाँ तक मुझे पता है और मेरा नॉलेज है तो दिसंबर तक ये नोटिफिकेशन एनी हाउ आउट हो जाना चाहिए। और MPhil तो आपको पता ही है कि अब जब नई NDP है उसमें बंद हो चुकी है, तो कुछ लोग जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के वेट में हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और जो लोग JNVU में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो गाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको वहाँ पर 22 जनवरी या 23 जनवरी टेंटेटिव डेट दी गई थी एग्जामिनेशन की, तो हम 2 महीने मान के चल रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगेन एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे को जो पेपर 1 है उसमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो एग्ज़ाम होगा वो कम्प्लीटली गाइज ऑफलाइन होगा और जोधपुर में ही होगा, वो भी JNVU का जो कैंपस है उसके अंदर, इसके अलावा कहीं पर भी कोई सेंटर आने की उम्मीद नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राकल्पना यानी कि कंसेप्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, दिस इज़ अ फाइनल कंक्लूजन, क्या एक अंतिम निष्कर्ष है, जी बिल्कुल नहीं, यह एक सामान्य अनुभव है यानी कि आपने जो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस लिया, कुछ नॉर्मल फील किया, क्या यह वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण है, बिल्कुल नहीं, और उपरोक्त में से कोई सही नहीं है तो ऐसा भी नहीं है। जो आपकी प्राकल्पना होती है यानी कि कंसेप्ट होता है यानी कि हम और हिंदी में बात करें तो उसको हम अवधारणा कहते हैं, किसी भी वस्तु या फिर इंसान के बारे में या फिर एक्सरसाइज किसी के बारे में जब हमें क्या करते हैं उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या होता है उसके बारे में अनुभव होता है। तो कंसेप्ट क्या हो गया आपका, प्राकल्पना हो गई, ये एक क्या है आपका सामान्य अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथ्य संकलन यानी कि फैक्ट्स कलेक्शन की प्राविधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। अगर हम इंग्लिश में बात करें गाइस तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेथड ऑफ फैक्ट कलेक्शन, यह विश्वसनीय सूचनाओं या फिर आंकड़ों को एकत्रित करने का तरीका है। सभी विज्ञानों के लिए प्राविधि एक समान होती है और किसी खास विज्ञान के लिए एक ही प्राविधि संभव है, प्राविधि का संबंध संपूर्ण अनुसंधान से होता है यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपके मेथड्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो अगर हम फैक्ट कलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है, यह विश्वसनीय सूचनाओं या फिर आंकड़ों को एकत्रित करने का तरीका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है कि साइंस
इज इंटरप्रिटेड इन अ वे दैट सर्चेज फॉर फैक्ट्स, और किस स्कॉलर ने ये बात बोली है, यानी कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया गया है, ये बात किस वैज्ञानिक ने बोली है, तो गाइज ये बोली है ग्रीन ने। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत अध्ययन का सर्वप्रथम क्रमबद्ध बोध करने का श्रेय किसको दिया जाता है, हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट सिस्टमैटिक यूज ऑफ केस स्टडीज, तो इसका आंसर गाइज आपका हो जाएगा बी, यानी कि लिपले। और नेक्स्ट है आपका गाइज फिफ्थ क्वेश्चन, द्वितीय सामग्री से तथ्य संकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्राविधि क्या है, यानी कि जो हम सेकेंडरी मटेरियल, आपको ये तो पता है डाटा कलेक्शन के टू मेथड्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका जो बेस्ट अगर हम देखें आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर हम फर्स्ट बात करें एथनिसिटी, जाति वितरण, वर्णन, यानी कि किसी को किसके आधार पर, जातीय आधार पर है, नॉट लाइक कास्ट, जैसे कि हम कह सकते हैं अमेरिकन या फिर इंडियन, इसके अकॉर्डिंग बांटना। या फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आयर, प्रश्नावली और शेड्यूल अनुसूची, और लास्ट है पर्सनल स्टडी। तो गाइस अगर हम ऊपर तीनों की बात करें तो ये तो हमको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये हमको प्रोवाइड करवाते हैं प्राइमरी डेटा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, पर्सनल स्टडीज़, यानी कि सेकेंडरी डेटा के लिए डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि रिपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च वर्क इज, ये कौन से चरण की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो गाइस जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, और ध्यान रखना रिसर्च का जो प्रोसेस होता है ना वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से याद करिएगा। और हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रिपोर्ट तैयार करना शोध का क्या होता है, जब हम लास्ट में सब कुछ कर लेते हैं, अपना आइडिया आ गया, हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, अब उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ होगा, और जब ड्रॉ होगा तो हम उसको कहीं ना कहीं लिखेंगे, तो हम उसको क्या रेडी करेंगे, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट रेडी करना इज द लास्ट स्टेज ऑफ द रिसर्च वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करने का क्या उद्देश्य नहीं है। तो देखो, ज्ञान का प्रलेख प्रस्तुत करना, ऑब्वियसली बात है, अगर हमने रिसर्च किए हैं, हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हमारा जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है उसको हम कहीं लिख रहे हैं, तो ज्ञान का प्रलेख तो हम प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है सूचनाओं की संख्या बढ़ाना, ये तो ऑब्वियसली बात है ना गाइस, जितनी रिपोर्ट तैयार होंगी सूचनाओं की संख्या तो बढ़ेगी ही। और अनुसंधान के परिणामों को दूसरों के सूचनार्थ प्रस्तुत करना, यदि आपने कोई रिसर्च किया और उसका कंक्लूजन आपने लोगों के सामने रखा ही नहीं तो वो रिसर्च क्या हो जाती है, नील हो जाती है, तो ये भी आपका क्या है, हमारा उद्देश्य है। और विषयों में अंतर्निहित वास्तविक स्थिति को समझाना, ये भी हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है तो वो क्या, सूचनाओं की संख्या को बढ़ाना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि जितने ज़्यादा रिसर्चेस होंगे तो सूचनाएँ तो बढ़ेंगी, तो ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, बार बार खोजना, किसी समस्या का हल खोजना, किसी समस्या की सत्यता की खोज के लिए क्या करना, वैज्ञानिक तरीका अपनाना, और नन ऑफ द अबव। तो गाइस देखो, बार बार खोजना ठीक है, हम मान सकते हैं इसको भी, और किसी समस्या का हल खोजना समवेयर वी कैन से, बट जिसका प्रॉपर आंसर माना जाएगा यहाँ पर वो है वैज्ञानिक तरीके से किसी भी कार्य की क्या करना, किसी भी समस्या की सत्यता की खोज करना। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है। जैसा मैंने आपको बताया रिसर्च की जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि हमको क्या करना है, जब भी हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, और बुक के बारे में मैंने आपको बताया था रंजीत कुमार या फिर सी आर कोठारी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 5 क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, रिसर्च से पूरा आ ही रिसर्च कर रहा है, तो हमको बहुत अच्छे से रिसर्च प्रिपेयर करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और उसका PDF अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्टिल उनके सब्जेक्ट के सिलेबस में प्रॉब्लम है, तो मैंने बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ काफ़ी सारे जो डिमांडिंग सब्जेक्ट्स थे उनका सिलेबस टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था नाइन्थ, कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का पहला कदम है, तो समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना, संबंधित साहित्य का क्या करना, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, क्योंकि हमें लिटरेचर रिव्यू करना तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है समस्या की पहचान करना और समस्या के समाधान की खोज करना। तो देखो गाइस, समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना, बट हमारे पास, हमें यही नहीं पता अगर समस्या क्या है तो इस स्टेप पर हम जाएंगे कैसे, तो ये तो नहीं हो सकता। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, साहित्य का सर्वेक्षण करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक एरिया भी तो होना चाहिए ना जिसपे हम सर्वे करना चाहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। समस्या की पहचान, सबसे पहले हम रिसर्च के लिए क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम पहचानेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण क्या क्या हैं, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सिस्टमाइजेशन एंड थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज, और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मुक्त जांच की भावना, किसी भी तरीके क्या हो आराम से वो किसी से भी क्वेश्चन कर सके, पूछ सके, अपनी बात के बारे में जान सके,
अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भरता और ज्ञान का व्यवस्थीकरण का सिद्धांत, तो यहाँ पर गाइस उपरोक्त सभी सारी क्वालिटीज एक रिसर्चर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, अनुसंधान के संचालन में किस परिकल्पना का क्या किया जाता है, निरूपण किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें वो आपसे कह रहा है इन दी प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, तो यहाँ पर गाइस आपका हो जाएगा फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन उद्देश्यों का विवरण, डेटा का विश्लेषण और अनुसंधान उपकरण का चयन और डेटा का संग्रह। तो जब हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुसंधान उपकरण का चयन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसंधान की विधि नहीं है। तो गाइस हम यहाँ पर बात करें तो अवलोकन ऑब्वियस सी बात है रिसर्च की हमारे पास विधि है। नेक्स्ट है हमारे पास ऐतिहासिक बिल्कुल, और सर्वे जो हमारे पास विधि नहीं है वो क्या है दार्शनिक, कोई विधि नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो अनुसंधान को वर्गीकृत करने का तरीका बेसिक अप्लाइड एक्शन रिसर्च ऑब्वियस सी बातें होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी होते हैं, और फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये भी यहाँ पर है। गाइस देखिए इन्होंने यहाँ पर फिलोसॉफिकल को माना है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो जो जे एन यू में आंसर के अकॉर्डिंग माना गया था यहाँ पर अवलोकन को फिर आंसर माना गया है, जबकि बेसिक अगर जो हमने एक रीड कर रखा है उसमें हम बहुत बार क्या होता है दार्शनिक को मान सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है बट अकॉर्डिंग टू जे एन यूज जो आंसर की थी वो आप यहाँ पर अवलोकन को ले सकते हैं और नेक्स्ट में आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है 14 नंबर का क्वेश्चन, एक शोध पत्र शोध कार्य पर आधारित संक्षिप्त क्या है, एक रिपोर्ट है यानी कि रिसर्च पेपर क्या है, आपका जो आपने रिसर्च वर्क करा है उसकी एक शॉर्ट रिपोर्ट है जो कि क्या है आपका केवल प्राथमिक डाटा और केवल द्वितीयक डाटा और प्राथमिक एवं द्वितीयक डाटा दोनों। तो अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है एक शोध तभी संभव है जब, कब कब संभव है ये, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हो बिल्कुल, ये कैसा हो अचीवेबल हो बिल्कुल होना चाहिए, और नया और ज्ञान में क्या करता हो को जोड़ता हो तभी तो इस रिसर्च की इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग्स। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अपने पास गाइस 16 क्वेश्चन, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपके पास आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं आपसे बिब्लियोग्राफी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, हमने हमारे रिसर्च में कहाँ कहाँ से थोड़ा बहुत जो हमारा कह सकते हैं हम पार्ट ऑफ नॉलेज हमने डेटा कहाँ से लिया है इन सब के बारे में जब हम लिखते हैं, यानी कि आपकी पुस्तक की रिसर्च आर्टिकल्स की न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स की जो सूची होती है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। और बिब्लियोग्राफी का यूज़ क्या है, शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है बिल्कुल नहीं, आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है, हाँ जी बिल्कुल ये आपका आंसर सही है। उसका रीज़न है अगर हम कोई रिसर्च देख रहे हैं और उसमें पीछे रेफरेंसेस हैं और सेम टाइप का हम कह सकते हैं हम उसमें क्या कर रहे हैं अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे उन्हीं जो बिब्लियोग्राफीज़ हैं जो बुक्स हैं जो साइट्स हैं जो न्यूज़पेपर्स हैं जो आर्टिकल्स वगैरह लिए गए हैं उनसे हम भी तो रिलेटेड क्या कर सकते हैं हमारे रिसर्च के रिगार्डिंग वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 17, मौलिक अनुसंधान किस क्षमता को दर्शाता है, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ, तो हमारे पास जो है फर्स्ट है आपका नए आदर्शों का संश्लेषण करना, तो आइडियल्स की हम रिसर्च में बेसिकली बात नहीं करते, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, और नेक्स्ट है आपके पास अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, क्योंकि हम यहाँ पर फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो मौजूदा सामग्री की तो हम यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे, और विभिन्न विषयों के संबंध में अगेन मौजूदा वर्ड यहाँ पर काम नहीं आएगा, तो नए सिद्धांतों को उजागर करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च होता क्या है, तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट है आपके पास एक अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अनुसंधान और एन अप्लाइड रिसर्च आर रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम आर रिसर्च विद सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो गाइस देखो नाम से पता चल रहा है ये कैसा है एक्शन रिसर्च, यानी कि हमको जो भी करना है वो क्या करना है बहुत ज़्यादा क्विकली करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तात्कालिक समस्या को, यानी कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आई और हमने क्या लिया एक्शन, जैसा मूवीज में होता है ना कोई अगर किसी हीरो को क्या करता है विलन पंच करने की कोशिश करता है तो हम क्या बोलते हैं कि यार उसका एक्शन पंच अच्छा था, यानी कि उसने क्विकली क्या लिया डिसीजन लिया। तो आप इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं एक्शन रिसर्च है, क्विकली हम अपने प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करते हैं वो, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है, यानी कि हम कहाँ चले गए अपने पास्ट में जा चुके हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
और हम देखें तो यहाँ पर वो बात कर रहा है फिलोसॉफिकल रिसर्च, तो बिल्कुल जी ऐसा नहीं होने वाला। माइथोलॉजिकल रिसर्च भी नहीं होगा, कंटेंट एनालिसिस भी नहीं होगा। अतीत के बारे में है तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक शोध। 20th क्वेश्चन की हम बात करें, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। गाइस बहुत बार क्या होता है, कैंडिडेट ध्यान नहीं रखता और नहीं है वाले वर्ड्स को क्या करते हैं, वो इग्नोर कर जाते हैं। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो यहाँ पर हम बात करें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जर्वेशन मैनिपुलेशन कंट्रोलिंग और कंटेंट एनालिसिस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जोड़ तोड़। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, तो प्राकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे पहले पूछा गया था कौन सा कथन सही है और यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, किसके बारे में हम बात करें तो कंसेप्ट के बारे में, केवल अवधारणा से दो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो गए हैं। फर्स्ट है आपका आरंभिक स्तर पर ये क्या है, एक अनुमान, तो ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर करा था। नेक्स्ट है प्राकल्पना क्या है आपका, अंतिम लक्ष्य, और इसके बाद है अगर हम बात करें तथ्यों के बीच कारणात्मक संबंध दर्शाता है, तो ये भी सही है। शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक है, बिल्कुल। तो क्या है आपका सही नहीं है, जो प्राकल्पना क्या है, अंतिम लक्ष्य है, तो ये एक लक्ष्य नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास व्यक्ति के व्यवहार संबंधी तथ्यों को एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि सही है, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर हमें किसी ऐसी रिसर्च करनी है जहाँ पर हम लोगों के क्या कर रहे हैं बिहेवियर और एटीट्यूड पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी विधि काम में आएगी, तो उसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो क्वेश्चनिंग ऑफ पीपल, लोगों से पूछताछ। सरकारी आंकड़े तो बिल्कुल ही काम नहीं आ सकते क्योंकि सरकारी आंकड़े किसी के निजी व्यवहार के बारे में हमको नहीं बताएंगे। डायरी बट इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर ऑप्शन, और लोगों से पूछताछ भी यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा, आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष निरीक्षण, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं व्यक्ति के व्यवहार, तो व्यक्ति के व्यवहार को जब तक हम खुद इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद सामने से देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरी के संबंध में क्या सही है, तो फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन, इसमें तथ्यों को बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो ऐसा तो गाइस बेसिकली होता नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें कुछ गोपनीय बात लिखी होती है और इसमें घटनाओं को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, सब कुछ क्रमबद्ध लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो गाइस किसी की अगर कोई निजी डायरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें कुछ लिख रहा है तो वो क्या होगी, कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंशियल मैटर वहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन साइंटिफिक मेथड प्री कंसेप्शन मीन्स, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में जो आपकी प्राकल्पना है उसके बारे में उसके आप क्या समझते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो प्राकल्पना यानी कि क्या हो गया, कंसेप्शन मीन्स वैज्ञानिक पद्धति में प्राकल्पना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तिगत अध्ययन का विषय हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, एक समुदाय, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास यहाँ पर है, शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी निष्पक्षता के माध्यम से और अपनी वास्तविकता के क्या माध्यम से। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिर यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि निष्पक्षता चाहिए होती है स्वयं की भी, हमारी वास्तविकता के माध्यम से भी और अपनी वैधता के माध्यम से भी। नेक्स्ट है 27, अवलोकन संग्रह, ऑब्जर्वेशन इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू गाइस प्राथमिक डेटा ही मिलता है, अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं कुछ डेटा कलेक्शन की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब प्राइमरी ही होगा। नेक्स्ट है तथ्य स्वयं नहीं बोलते, ये कथन है, किस मतलब किसने कहा है ये कथन, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कथन कहा है, थॉमसन ने। 29th क्वेश्चन की बात करें, तथ्य से अधिक इसकी व्याख्या क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है गाइस कॉलिंगवुड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन साक्ष्य अनुप्रयोग की पद्धति नहीं है, अगर हम 30th क्वेश्चन को देख रहे हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग की पद्धति नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एविडेंस, तो यहाँ पर आपका गाइस आंसर हो जाएगा डी निष्कर्ष पद्धति। कॉज एंड इफेक्ट, कारण परिणाम समीकरण रेल पटरी की भांति समानांतर होते हैं, किसने कहा है, ये कहा है डेवी ने। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अब तक 5 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं कि ये किसने कहा है, तो हमको इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अनुसंधान का सामान्य उद्देश्य क्या है, तो अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य की हम बात करते हैं, नए तथ्यों की खोज करना, ऑब्वियसली बात है बिल्कुल, पुराने तथ्यों की नई व्याख्या करना ये भी सही है, और पुराने तथ्यों का संकलन करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता, तो आपका आंसर बन जाएगा बी फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, शोधकर्ता द्वारा सामग्री की सत्यता और प्रमाणिकता की जाँच करना क्या कहलाता है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रिव्यू बाय समीक्षा। शोध गंगा क्या है,
रिसर्च के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम, शोध गंगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। और यहाँ पर है आपकी मासिक पत्रिका बिल्कुल नहीं, ग्रंथ बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपना क्या ले सकते हैं। ऑनलाइन थीसिस जो सबमिट होती है वो शोध गंगा पर रिप्रेजेंट होती है। शोध प्रबंध में अनैतिक गतिविधियों की जांच हेतु क्या प्रयोग होता है, तो शोध गंगा की हम बात करें यहाँ पर तो आपको थीसिस मिलेंगी, विकिपीडिया नहीं, कोई शोध प्रमाण नहीं। उर्कुंड क्या है आपका, यहाँ पर अनैथिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं रिसर्च में उसके लिए ये यूज़ में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में क्या मुख्य अंतर है, यानी कि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसमें मुख्य अंतर क्या है, तो आपके पास है बाह्य चरों के नियंत्रण की मात्रा में। ऑब्वियस सी बात है अगर हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा हम क्या कर सकते हैं, बाह्य चर पर थोड़ा बहुत अपने हम कह सकते हैं कंट्रोल रख सकते हैं, बट अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हमारा कोई भी जोर नहीं होता। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त मानी गई है, यानी कि अगर हम बात देखें तो जो आपका सोशल स्टडीज़ होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गाइस 37 का गुच्छ प्रतिदर्शन यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग के द्वारा क्या हो सकता है, अनौपचारिक संबंधों के अध्ययन हेतु ये विधि मानी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रयोगात्मक तथा कार्योत्तर शोध, प्रयोगात्मक तथा कार्योत्तर शोध विधियों में जो बात समान नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वतंत्र चरों में स्वैच्छिक बदलाव, ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर हम इसको वन बाय वन गाइस मैच करेंगे। तो आपका है सबसे पहले चरों का नियंत्रण, तो ये किस में हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट है आपके पास भूत संदर्भित यानी कि पास्ट, तो पास्ट को किससे हम रिलेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है हिस्टोरिकल रिसर्च से। नेक्स्ट है आपके पास स्थानीय समस्या और वर्तमान स्थिति, तो हम यहाँ पर देखें तो आपका चरों का नियंत्रण किस में हो जाएगा, वर्तमान स्थिति में, तो हम किसकी बात करेंगे, क्रियात्मक शोध की। चरों का नियंत्रण अपने जो आपका चरों का नियंत्रण है वो किस में रहेगा, प्रयोगात्मक शोध में, और स्थानीय समस्या किस में आ जाएगी, सर्वेक्षण शोध में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं है यहाँ पर, तो वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति की एक विशेषता है प्रीजुडियस पूर्वाग्रह, यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं है। लास्ट 10 क्वेश्चन हैं गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नॉट केवल JNU की हम बात कर रहे हैं बट रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है, 50 क्वेश्चन हमें यहाँ पर केवल और केवल रिसर्च के मिल रहे हैं, और देखा जाए तो एग्जाम्स में बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एंड हमने नोटिस किया कि पेपर हम कह सकते हैं बहुत एक टफ पेपर नहीं है, अगर हम बेसिक हमारा चार्ट क्या करेंगे अच्छे से रेडी कर लेंगे तो हम पेपर फाइट कर सकते हैं। सीट्स का गाइस ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, और फिर JRF और नेट वालों को 10 और 20 का वेटेज भी है। कट ऑफ ऑब्वियसली बात है हाई जाएगी, इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने पूछा था और वहाँ पर लिखा है, तो मैं बता दूँ इंटरव्यू के लिए कोई अलग से मार्क्स नहीं होते, जो इंटरव्यू होता है वो एक काउंसलिंग राउंड की तरह होता है, और जो लोग क्लियर करते हैं उन्हीं को मेल आता है, JNU में अलग से लिस्ट वगैरह नहीं निकलती एडमिशन की, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है, कॉइन क्वेश्चन आया, सेंसस रिपोर्ट और बुक रिव्यू, तो जो आपका क्या है बुक रिव्यू है ना वो आपका प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान में नैतिकता का क्या तात्पर्य है, टू हाइड नेम ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू क्योर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, टू मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड, तो और लास्ट है हमारे पास उपयुक्त सभी, तो आपके पास आंसर हो जाएगा बी, सूचना स्रोत को क्या करना, उद्धारित करना। नेक्स्ट है हमारे पास 43, अनुसंधान प्रक्रिया, जैसा मैंने आपको बताया गाइस की जो रिसर्च का हमारे पास क्या है प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और काफ़ी बार क्या होता है यही घूम कर आता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस का डेवलपमेंट है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल है, लिटरेचर रिव्यू है, और हमारे पास क्या है प्रतिवेदन लेखन, तो हम क्या करते हैं लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें उसके बाद आपका हो जाएगा परिकल्पना, हाइपोथेसिस का क्या होता है हम निर्माण करते हैं, फिर करते हैं सामग्री संकलन, और लास्ट होता है प्रतिवेदन लेखन। 44 क्वेश्चन, अनुसंधान में एक आम परीक्षण बहुत प्राथमिकता की मांग करता है, और इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा 44 का, तो 44 का आंसर हो जाएगा गाइस विश्वसनीयता, उपयोगिता, वास्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण किया जाता है। 45 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अनुसंधान उपकरण का चयन यहाँ पर किया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर क्या करता है केंद्रित है,
तो 46 का आपका आंसर है प्रायोगिक और एक्स फैक्टो रिसर्च, सॉरी एक्स फैक्टो रिसर्च। निम्न में कौन सा क्रिया अनुसंधान में सबसे कम इम्पॉर्टेंट है? तो 47 का जो आंसर है हमारा वो है परावर्तन। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंध के ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह कौन से शोध का उदाहरण होगा? तो हमारे पास वो होगा गाइस व्यवहारिक शोध का, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट टू क्वेश्चंस, किसी कार्योत्तर शोध की दो विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? तो 49 क्वेश्चन में हम देखते हैं इसका आंसर है आपका नॉन मैनिपुलेशन एंड नॉन रैंडमाइजेशन, यानी कि डी। और लास्ट है परिकल्पना, हाइपोथेसिस किसके बारे में बताती है? हमारे पास हाइपोथेसिस आपको पता ही है ऐसे आई थॉट जिसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। दो तरह की आपकी हाइपोथेसिस होती है, नल और अल्टरनेट। तो परिकल्पना संदर्भित करती है, फर्स्ट है आपका प्रयोग का परिणाम और एक प्रयोग से निकाला गया निष्कर्ष, पूर्वाग्रह का एक रूप जिसमें विषय प्रयोगकर्ता को पछाड़ने की कोशिश करता है और संबंधित विषय के बारे में एक अस्थायी बयान। तो हाइपोथेसिस का सबसे अच्छा जो आंसर यही है हमारे पास, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कर रहे हैं, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, बाद में प्रूफ होगा या नहीं वो चीज़ अलग है, बट हमें क्या कर रहे हैं टेंटेटिव अपना एस्टिमेट ले रहे हैं, तो वही हाइपोथेसिस होती है। तो गाइज इसी के साथ हमारा पेपर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। एंड ये जो पेपर था वो नॉन साइंस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। वहाँ पर दो तरह की रिसर्च का पेपर है, एक तो साइंस वालों के लिए और एक नॉन साइंस वालों के लिए। तो जो हमने ये पेपर डिस्कस किया, ये पेपर किसके लिए है गाइज़? ये नॉन साइंस वालों के लिए है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, जितने भी पीएचडी के अपडेट्स हैं स्पेशली इन द राजस्थान और इसके अलावा जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया है, जैसे कि अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आपके एडमिशन्स ऑनगोइंग हैं, तो जो कैंडिडेट्स बाहर से सोच रहे हैं वो देख सकते हैं उस यूनिवर्सिटी को भी ऑप्शन में। और इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन जल्द निकलने की उम्मीद है, साथ ही साथ सेट का नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन। और इन नोटिफिकेशन के अलावा जो कॉमर्स के टॉपिक्स हैं और राजस्थान जी के, इसी के साथ पेपर वन के जो डिस्कशंस हैं वो कुछ टाइम बाद प्रॉपर हमको कहाँ मिलेंगे, हैप्पी कॉमर्स ऑफ चैनल पर ही मिलेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी तैयारी रखें। कुछ इशू आता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू एंड व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर मैं अवेलेबल करवा देती हूँ। रंजीत कुमार की जो आपकी बुक है जो मैंने कहा था वो, उसका पीडीएफ जो है गाइज वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ है उसमें एरर, तो मैं उसको प्रॉपर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो 1-2 डेज में मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। हाँ, केवीएस मदान की अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली आज या कल मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है जेएनयू में लास्ट ईयर हुआ था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करें, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और जेएनयू या फिर इसके अलावा एमएलएसयू वगैरह में भी जो एग्ज़ाम लगते हैं सबके हिसाब से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें।